सो गाइस ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि सौरभ जोशी की डेली वीडियो क्यों ट्रेंडिंग में आती है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे। सो गाइस बहुत ही दिनों से, बहुत ही महीनों से सौरभ जोशी की व्लॉग्स की डेली वीडियो ट्रेंडिंग में आ रही है। लगभग 80-90 या फिर 100 वीडियो ट्रेंडिंग में हो गई होगी सौरभ जोशी की। मुझे लग रहा है 90 वीडियो ट्रेंडिंग में कंफर्म है, क्योंकि बहुत ही दिनों से 60 वीडियो जब ट्रेंडिंग में हुआ था तो सौरभ भाई इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाए थे। वही आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सौरभ जोशी का डेली वीडियो ट्रेंडिंग में आता है। तो पूरा जांच करके हम पता किया, सौरभ जोशी ने खुद बताया जो डेली ट्रेंडिंग में आता है। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और मुझे इंस्टा में भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मैं डेली सौरभ जोशी के रिलेटेड न्यूज़ एंड रोस्टिंग भी करता हूँ कभी कभी, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यूज़ लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है, सौरभ जोशी ने खुद इंस्टाग्राम में अपने स्टोरी लगाया था क्यों हमारी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं आती है। पहले वो स्क्रीनशॉट तो अभी मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन लगाया था मुझे याद है, और हैशटैग यूट्यूब टीम को मेंशन भी किया था ताकि यूट्यूब को यूट्यूब भी देखे कि क्यों नहीं आती है वीडियो ट्रेंडिंग में। तो सौरभ भाई इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के टैग किए थे यूट्यूब इंडिया को कि हमारी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं आ रही, तो शायद वो यूट्यूब इंडिया उनकी स्टोरी को देखे और उनके चैनल को शायद चेकआउट कर लिया था, इसलिए अब डेली वीडियो ट्रेंडिंग में आ रही। और सेकेंड पॉइंट भी है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, इंडिया में ऐसा कोई चैनल नहीं है जिसके एक दिन में 57 लाख या 60 लाख व्यूज आए आपकी एक दिन में। ऐसा सौरभ जोशी का फर्स्ट चैनल पे चैनल है, इसलिए वीडियो ट्रेंडिंग में आती है। और सौरभ जोशी के 1 करोड़ सब्सक्राइबर है और व्यूज की बात करें तो डेली 60 लाख व्यूज आ जाते हैं, तो ये तो कंफर्म है। इस बात इसी के लिए सौरभ जोशी की हर व्लॉग ट्रेंडिंग में आ जाती है। थंबनेल में पीयूष रहता है, पीयूष का मोस्ट पॉपुलर थंबनेल है पीयूष की नई न्यू साइकिल। तो अगर जो जो थंबनेल में पीयूष रहेगा वो डेफिनेटली हर बार ट्रेंडिंग में आएगी। तो यही सबसे मेन बड़ा टॉपिक है और फर्स्ट वाला टॉपिक है जो सौरभ भाई न्यू टीम यूट्यूब इंडिया को टैग किए थे। तो दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं दो वजह से सौरभ जोशी की वीडियो डेली ट्रेंडिंग में आती है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा क्यों आती है डेली ट्रेंडिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही इंस्टा में भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।